निफ्टी पे तो आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। देखते हैं मार्केट खुलते ही लेवल्स जो सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 18600 के पार वक्त हम देख रहे हैं बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है। 62738 के लेवल्स पर सेंसेक्स आप देखेंगे। ऑफकोर्स 18600 जिस लेवल की लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि टफ रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम कर रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छी ओपनिंग 44000 के पार इस वक्त नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन आपके स्क्रीन पर एडवांसेस का पलड़ा जो है इस वक्त भारी डिक्लाइन के सामने बिल्कुल नजर आ रहा है। स्टॉक्स में मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से है, आईटी स्पेस से इंफोसिस के चार्ट जो है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए इस वक्त आप देखेंगे। इसके साथ ही आईटीसी लगातार आज सुबह आईटीसी का जिक्र भी हमने किया था और आईटीसी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त आप देखिए करीब 0.5% तक की तेजी नजर आती हुई। एचडीएफसी ट्विंस में भी अच्छी मजबूती और टाटा मोटर्स एक खबर आती हुई टीवीएस मोटर पर भी नजर रहेगी। टाटा मोटर्स जो है इसमें भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करें अच्छा एक्शन आज नजर आ रहा है हर सेक्टर हर पॉकेट में। सिर्फ फार्मा और एनर्जी स्पेस को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त परफॉर्म करता हुआ। ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छा एक्शन है। आईटी मेटल एफएमसीजी की हम लगातार बात करें कि कंजम्पशन थीम पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार में पॉजिटिवली प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। खबरों के दम पर आज एक्शन कहां पर नजर आ रहे हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आप देखेंगे इसमें ऑटोमोबाइल स्पेस तो है ही लेकिन इसके अलावा क्रूड में लगातार जो गिरावट है उसका इंपैक्ट क्या पेंट स्टॉक्स पर पड़ रहा है क्या सीमेंट पर पड़ रहा है इस पर खासतौर से नजर रहेगी। टायर स्टॉक्स पर भी एक बार नजर रखेंगे। जेके टायर अपोलो टायर के क्या बयां कर रहे हैं। गो फैशन में सिकोया कैपिटल की ब्लॉक डील के जरिए जो हिस्सेदारी बेचने की खबर है उसका इंपैक्ट आता हुआ गो फैशन के चार्ट पर हम लोग देखें करीब 5% तक की गिरावट के साथ। इसके अलावा स्टील पैक पर भी नजर रखें क्योंकि स्टील कंपनियों पर आज अगर देखें कीमतों में करीब 3,250 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की खबर आती हुई दिख रही है। मेटल पैक के चार्ट आप टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील हिंडाल्को सारे के सारे स्टॉक में एक पॉजिटिव अप मूव इस वक्त तो नजर आता हुआ। तो क्लियरली और इनफैक्ट पावर डिमांड में जो बढ़ोतरी क्विकली पावर स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। बाजार की शुरुआत जो है पॉजिटिव होती हुई इस बीच गो फैशन में करीब 57 लाख शेयरों के सौदे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। 5% के मूव जो है वहां पर भी एक बार इंपैक्ट आता हुआ। क्विकली मिड कैप काउंटर्स को भी देख लेते हैं। मिड कैप स्पेस में शुरुआत जो है ठीक ठाक होती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स वाइज स्टॉक स्पेसिफिक मूव की अगर बात करेंगे मिड कैप स्पेस जो है वो रिएक्ट करता हुआ इस वक्त मिड कैप में टीवीएस मोटर इनफैक्ट अजय आज हम बात भी कर रहे थे यहाँ पर जो खबर आई है एडिशनल 25% स्टेक स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में जो खरीदने जा रही है उसके बाद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है टीवीएस मोटर टॉप परफॉर्मर। जी हाँ टीवीएस मोटर्स का वैल्यूएशन जो है कुछ लोग क्वेश्चन करने लगे हैं लेकिन ईवी के एरिया में जो ये काम कर रहे हैं वो बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। आईएक्स को देखिए मिड कैप में 2% ऊपर खुला है आईएक्स। उसके अंदर बड़ी जबरदस्त फॉल आई थी थर्सडे को और फ्राइडे को और अब इसके अंदर यूबीएस का नोट भी आया है कि शायद कंसर्न्स ओवरडन है मैनेजमेंट भी आएंगे।